और लगाता होगा तो इस सोचता होगा चलो कुछ नहीं पैदा होगा तो लगा लेता होगा, लेकिन जिसको पैदा करना हो तो नहीं लगाता है। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही बताए हुए। जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कह के गए थे जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। तो मैं सरकार हूँ कहीं कहते हैं कि आप भी सड़कों पर उतरा कीजिए, बकायदा एक टाइम टाइम पर करते रहेंगे तो हम ही अकेले सरकार नहीं, हमारे ऊपर ही बहुत लोग हैं। तो उनके हाथ हम जब बोलते हैं तो उनको लगता है कि अपनी बात बोल रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। अकेले जब मैं कैबिनेट में बोलता हूँ तो लगता है कि इसका अपना समस्या है। जब आप सब लोग मिलकर बोलेगा तब जाके कान में तेल डाल के बैठे लोग हैं उनके उनकी सुनाई पड़ेगी। नहीं तो ये लोग, मैं कहा अभी तो कानून पे मैंने चर्चा किया कि धान खरीदने पर नियम बदलो और मल्टीपल एजेंसी कर दो, सभी लोग खरीदेंगे, मैं बेटी बिल्कुल नहीं कर देगा। लेकिन इसकी चिंता नहीं, अभी कह रहा है एकदम, जब बोलते हैं तो चुप लगा जाता है, जिससे सांसे प्राण निकल गया सरकार के लोगों को, मैंने सरकार के मतलब अधिकारियों की नहीं, बड़े बड़े नेताओं का। और जब कृषि कानून मंडी कानून की बात करता है तो एकदम चुप लगा जाता है, जिसे लगता है कि बुखार आ गया। तो ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप जानिए, नहीं पता चलेगा कि कोई कहेगा कि आपको 3 साल कुर्सी पे थे, चुप से बोले नहीं बताए नहीं, आपको कुर्सी के चक्कर में बताए नहीं, तो हम बता रहे हैं आपको, हम सजग कर रहे हैं। अभी कोई बन तो गई है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके 4 चरण भी पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं, वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या।